क्योंकि बनाने के लिए मैंने ये पानी उबाइल होने के लिए रखा है। इसमें हाफ चम्मच मैं नमक डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके ना। ऑयल हम इसमें डाल देंगे। पानी गर्म हो तो स्पैगेटी डालते हैं। पानी पक रहा है, अब आपने स्पैगेटी हाफ पैकेट लेकर इसको इस तरह से आहिस्ता, ये खुद ही नरम हो गए, ये देखें ना नीचे होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये स्पैगेटी नीचे जा रही है। अब पानी अब पक रहा है, 5 से 7 मिनट तक इसे आप पकने दें। ये देखें स्पैगेटी नरम हो जाए तो फिर हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है, अब हम इसे छान लेते हैं छन्नी में। ये छन्नी में छान रही है। अब इसके ऊपर आपने ना ये ठंडा पानी डाल लें ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये मैंने देगची में ऑयल डाला और जो बोनलेस की ये मैंने लंबे लंबे इस तरह से आपने भी काट लेने दे दिया था। अब इसका पानी खुश करना है, चिकन का पानी खुश्क होने के साथ साथ ही हम लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का ये पेस्ट है ये भी इसमें डाल देंगे, ताकि चिकन में अगर थोड़ी बहुत भी स्मेल रह जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। वैसे मैंने सिरका और पानी लगा के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी में थोड़ा सा सिरका 2 चम्मच डाल के उसमें आप चिकन डाल देंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती। ये देखें बिल्कुल ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। नमक, हसबे जायका, लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा ये हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल लें आप, 1/2 चम्मच मत डालें, ठीक है। कुटा हुआ सूखा धनिया मैं इसमें डालूंगी, एक अलग ही फ्लेवर बनेगा। और साथ में ये काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, इसको आपने हिला लेना, ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये ज़रा नरम हो जाए चिकन। ये अभी 1-2 मिनट बस, 1-2 घूंट पानी डालना है ये नरम हो जाए, क्योंकि बीच में फिर वो सख्त सख्त अच्छा नहीं लगता। और ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। ये देखें पानी खुश्क हो गया और चिकन भी नरम। ये इस टाइम पे हम इसमें वेजिटेबल काट के रखी है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये गाजर, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी बहुत मज़े की बनती है। ज़रा सा फ्राई कर लिया, अब हम ये शिमला मिर्च इसे भी लंबाई में काटना है और साथ ही ये बंद गोभी इसको ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इनका कलर तब्दील ना हो, बस हल्का सा इस तरह से 1 से 2 मिनट बस, ठीक। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे, इसे आपने हल्का हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका क्रिस्पीपन ख़त्म ना हो। ये इस तरह से अब तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिरके, सॉस डालूंगी मैं तकरीबन 2 चम्मच। चिल्ली सॉस तकरीबन 2 चम्मच, 2-2 चम्मच हम लोग डालेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा ले पसंद करते हैं तो ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये साथ में हमने डाल दिया ये सिरका 2 चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। थाली में काली मिर्च मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन इस टाइम भी आपने 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से फ्राई कर लिया मैंने। अब हम इसमें डालते हैं स्पैगेटी।
जी इसमें स्ट्रॉबेरी भी शामिल कर ली। ठीक, ये देखें ठंडा पानी डालने की वजह से ये बिल्कुल अलग अलग है। इसको मिक्स कर लें, इसके ऊपर हम डालते हैं ये, अब हम इसमें केचप केचप डाल देंगे। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ठीक है, ये देखें, ये लें जी स्पैगेटी तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। स्पैगेटी तैयार हो गई है बिल्कुल आसान तरीके के साथ, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चिकन वेज स्पैगेटी, तो चलें आए शुरू करते हैं।